कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग? बस आप आ गए। अरे भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो? समझा रहे थे आप दिखे थे। अच्छा थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस रखो। आओ मैं कौन? ओके नहीं वेट मैडम आओ अपने आज यहाँ से मैडम आपने आज तक के न्यूज एंकर के बारे में आज न्यूज सुना? निधन हो गया रोहित सरदाना जी। हाँ रोहित जी आई नो सर ने मास्क पहना था। हाँ रोहित जी का निधन हो गया। मैं उनके साथ इंटरव्यू भी किया था। वेरी सैड के उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, लोगों को मतलब के सारे मैसेज देते थे, क्योंकि न्यूज़ तो चालू रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान तो टीवी देखेगा ना कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो उन्होंने एंड तक अपना का कर्तव्य निभाया देश के लिए, देश की जनता के लिए, न्यूज़ के लिए। मैं दुआ करूँगी ईश्वर से कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। कोरोना का बहुत सारा अपडेट दे दिया था उन्होंने सब। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर चालू है। आसमानी किताबों में कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर होगा, तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। आज समझ में आता है कि 2 साल से ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर, जस्ट 2 मिनट्स वर्ल्ड वॉर है गाइस। हम हर देश जीत गया है, सिर्फ इंडिया ही है लेट, सबसे लेट। 2 साल से हम लोग जुरझ रहे हैं दोस्तों, पता नहीं क्या हो। इतना रोना आता है ना, मतलब आज दोपहर को भी मैं इतना रोई हूँ, लोगों के शव देखे नहीं जा रहे और मुझे यकीन नहीं होता। एक तरफ शव जलाए जा रहे हैं, एक तरफ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, देश की क्या हालत हो गई है। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के लिए मुझे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी फ़ोटो ही पोस्ट करते हैं, यहाँ छुट्टी पे जा रहे हैं, वहाँ पे छुट्टी पे जा रहे हैं। अरे भाई आपके पास करोड़ों रुपये पैसा है, आप छुट्टी के लिए जा रहे हो। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है, ऑक्सीजन के लिए भी पैसा नहीं है। और एटलीस्ट आप किसी के दुख में साथ तो नहीं दे सकते हो? कम से कम ऐसी फ़ोटो या ऐसे वीडियो तो पोस्ट मत करो। आज देश में सबको एकजुट होके सामना करना है। अभी वैक्सीन भी कम पड़ रही है, अभी क्या करेंगे आई डोंट नो। बहुत बहुत वर्ल्ड वॉर चालू है दोस्तों, हम दुआ ही कर सकते, दुआ के अलावा और क्या करें। मोदी जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, पता नहीं क्या होगा। अरे आंटी जी मम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ मम्मी मेरी ठीक है, ईश्वर की दया से मेरी माँ ठीक है, उनको डिस्चार्ज मिल गया है, घर पे आ गई है। और ऊपर वाले का करम है, मैंने ज़रूर कुछ पुण्य किए होंगे ज़िंदगी में, जो मेरी माँ बच गई इतने बड़े ऑपरेशन से ऐसे करोना में। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सबके माँ बाप बच जाए, सबके भाई बहन बच जाए। अगर वो बच जाते हैं तो आगे आप लोग ज़रूर ईश्वर का शुक्रिया अदा करना और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर ऑक्सीजन दे दे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओके ओके।